नीतीश कुमार अनंत सिंह के साथ तराजू पर तोलवा रहे थे, एक तरफ अनंत सिंह बैठे थे, एक तरफ नीतीश कुमार बैठे थे। उस समय अनंत सिंह ठीक थे। और जब तक ये सरकार में रहे, नीतीश जी के सरकार में रहे, तब तक क्यों नहीं अपराध हुए? आनंद मोहन की पत्नी को चुनाव लड़ाए, क्या स्वार्थ था? उस समय आनंद मोहन ठीक थे। और जब जब नीतीश कुमार का स्वार्थ किसी से खत्म होता है, तब वो आदमी खराब हो जाता है। नीतीश कुमार जी एक मौका परस्त व्यक्ति हैं। वो जहाँ जहाँ जब जब जैसा देखे हैं, जब जब उनके फायदे का काम मिला है, तब तब वो काम कर दिए। जब तक जब इसका स्वार्थ खत्म हो जाता है, तो ये घर में बैठ करके सेटिंग करके उस आदमी को फंसा देते हैं। उनको डीपी सिंह को वहाँ से ट्रांसफर कर दीजिए और तब इंक्वायरी करवाइए क्या है नहीं है। और ये क्या कहता है, नीतीश कुमार में ही थे, ये नहीं कि आज गए हैं। जो पहले सबसे पहले तो उन्हीं के पहले तो इसके पार्टी में थे नहीं, किसी के पार्टी में। तो उन्हीं को समझना चाहिए कि हम अभी तंग कर रहे हैं क्यों, कि ये किसी पार्टी में जाके स्ट्रांग ना बन जाए या ये मेरे पे भारी ना पड़ जाए। और पॉलिटिकली जो है लोगों को डैमेज कर रहा है किसी तरह से कि अगला चुनाव हम जीत जाएं। कोई काम कर रहा है नीतीश कुमार, खत्म आदमी है। KRJD में देखे या अदर पार्टी में, जदयू में तो हमको लगता है और जदयू एक्सेप्ट किया था अनंत सिंह को। ऐसा नहीं कि पहला ये अभी जदयू से अभी तो अलग हुए हैं ना, इससे पहले जदयू से निर्दलीय लड़े थे, अभी कांग्रेस में गए हैं। और इनको इंक्वायरी करवाना ठीक है, किसी पर भी इंक्वायरी हो सकता है, मगर दूसरे SP को भेजिए। आप पार्टी के किसी भी सदस्य के परिवार के हैं तो व्यक्तिगत किसी भी, मेरे भी परिवार के कोई रहेंगे तो किसी पर मेरे विरोध में रहेंगे तो उन पर हम कहेंगे तो 5% भी तो मेरे फेवर में देखेंगे, ऐसा तो परिवार के फेवर में नहीं देखा जाता है। दूसरे SP को भेज दीजिए, दूसरे बहुत सारे SP है ना बिहार में, उनको डीपी सिंह को वहाँ से ट्रांसफर कर दीजिए और तब इंक्वायरी करवाइए क्या है नहीं है। और ये क्या कहता है, नीतीश कुमार में ही थे, ये नहीं कि आज गए हैं। जो पहले सबसे पहले तो उन्हीं के पहले तो इसके पार्टी में थे नहीं, किसी के पार्टी में। तो उन्हीं को समझना चाहिए कि हम अभी तंग कर रहे हैं क्यों, कि ये किसी पार्टी में जाके स्ट्रांग ना बन जाए या ये मेरे पे भारी ना पड़ जाए अदर पार्टी पे। इस हिसाब से उनको कह रहा है कि इनको 2020 का चुनाव है, ये हमको 5-10 विधायक हो सकता है, इनको MP में चुनाव में नहीं विजय लिए मगर इनको ये जरूर है कि 4-5 विधायक इधर से उधर कर सकते हैं। मतलब आप पॉलिटिकली पॉलिटिक्स 100% कहिए तो पॉलिटिक्स देखा जा रहा है कि अदर पार्टी को ये तंग ना करे, इस हिसाब से देखा जा रहा है। और आगे तो सब समाज देख रहे हैं, मान लीजिए मीडिया को लेके जाना चाहिए, आप लोग भी मीडिया में हैं, बहुत सारे मीडिया थे, जब आप इंक्वायरी किए तो मीडिया को ले जाना चाहिए तो उनके घर, कि हाँ AK-47 है कि क्या है, कि AK-56 है, कि जो भी आपत्तिजनक सामान है, और भी मीडिया वाले को वहाँ ले जाना चाहिए था। आप ले भी नहीं जाते हैं और डायरेक्ट कह देते हैं, कल हो के मेरे घर में कह दीजिए कि हाँ उसके घर में निकला है, आपके भी घर में बोल दिया जाएगा, किसी के भी घर में बोल दिया जाएगा कि अनंत सिंह ऐसे रखते हैं, चाहे वो अदर कोई भी पर्सन, ऐसा कुछ भी हो सकता है, मगर पॉलिटिक्स से ही देखा जा रहा है। मैं नीतीश जी से यही पूछना चाहता हूँ कि जब तक उनके साथ अनंत सिंह थे तब तक एक अपराधी नहीं हुए, और जैसे उनसे अलग हुए और उनके MP माननीय ललन बाबू के खिलाफ जब वो चुनाव लड़े, उनको काफ़ी टक्कर दिए, और मैं ललन जी ही नहीं नीतीश जी से भी चैलेंज करता हूँ कि अगर वो BJP को छोड़ के दोनों निर्दलीय लड़े तो उनका जमानत सही में जब्त ललन बाबू करवा, अनंत सिंह करवा देंगे ललन बाबू का। और जब तक ये सरकार में रहे, नीतीश जी के सरकार में रहे, तब तक क्यों नहीं अपराध हुए? जबकि एक उनका बहुत सारा वीडियो भी वायरल हुआ, जो भी हुआ उस टाइम तक तो नीतीश बाबू कुछ भी नहीं किए, और जैसे उनसे अलग हुए अनंत सिंह, वैसे उनके घर पे छापा मारी, जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि 14 साल से हम कभी घर नहीं गए हैं और वो घर रहने लायक भी नहीं है। और जहाँ तक इंटरव्यू में मैं देखा, मतलब मीडिया कर्मी के द्वारा ही, तो उनके आवास पे जाके, पटना के आवास पे जाके भी कैमरा का तोड़फाड़ किया गया, ये तो कहीं से भी उचित नहीं लगता है। और ये 100% पॉलिटिक्स है और कुछ भी नहीं है। नीतीश कुमार अनंत सिंह के साथ तराजू पर तोलवा रहे थे, एक तरफ अनंत सिंह बैठे थे, एक तरफ नीतीश कुमार बैठे थे। उस समय अनंत सिंह ठीक थे, और एक साथ तोलवा रहे थे तो वो ठीक थे। आनंद मोहन की पत्नी को चुनाव लड़ाए, क्या स्वार्थ था? उस समय आनंद मोहन ठीक थे। और जब जब नीतीश कुमार का स्वार्थ किसी से ख़त्म होता है, तब वो आदमी खराब हो जाता है, चाहे वो BJP के लोग हों, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों, चाहे RJD के लोग हों। जब तक इसका स्वार्थ चलता है तब तक वो ठीक है, और जब तक जब इसका स्वार्थ खत्म हो जाता है, तो ये घर में बैठ करके सेटिंग करके उस आदमी को फंसा देते हैं। एकदम पॉलिटिकल है। लड़का लोग को नौकरी देना चाहिए, उसमें नौकरी नहीं दे रहा है, लड़का लोग को नौकरी में रखा हुआ है उसको हटा रहा है, वो ठीक है।
और पॉलिटिकली जो है लोगों को डैमेज कर रहा है किसी तरह से कि अगला चुनाव हम जीत जाएं। कोई काम कर रहा है नीतीश कुमार, खत्म आदमी है। सामाजिकता ऐसे कानूनी ठीक है सर, कानून तो अपना काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं आनंद सिंह या इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन बीजेपी की सरकार को मैं कहूँगा कि आज तक बीजेपी सरकार भारत के इस महाकुंभ पे नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ अपराधों ही अपराध होते हैं। मैं एससी वर्ग से हूँ और मूर्ति भी टूटा रहता है एससीओ का, लेकिन कहीं भी कोई मीडिया आज तक ये नहीं छापा कि कहाँ मूर्ति टूटा गया, कुछ नहीं। दिल्ली में टूटा गया एससीओ का मूर्ति। तो बहुत अच्छे मानते हैं, अच्छे आदमी हैं, लेकिन ये बात सही बात है, जांच किया जाए, ठीक है। जांच के लिए पता चला कि आनंद सिंह है, ठीक है। और ऐसे माने तो आनंद सिंह खुद अपने आप मतलब जाके पेश किए हैं थाथी में, हाँ सरेंडर किए हैं। एक अच्छे ईमानदार है तुम तो सरेंडर किए ना, गलत रहते हैं तो सरेंडर नहीं करते हैं, सिंपल बात है। लेकिन देखिए जाँच के बाद क्या पता चलता है। बस ये जवाब तो पूरी तरह से, अभी नीतीश कुमार जी के पास, अभी नीतीश कुमार जी के पास ढेर सारा काम है। जैसे कि अभी नियोजित शिक्षक लोगों का बहुत दिन से मामला आ रहा है, वो कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। अब बताइए कि नियोजित शिक्षक लगातार हड़ताल कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं, भाई सारे जगह दिया जा रहा है जब उनको वेतन मान, तो भाई बिहार में क्यों नहीं दे सकते हैं? जब सारे नेता विधायक का वेतन बढ़ाया जा सकता है, सारे पब्लिक में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव या कोई भी डिपार्टमेंट हो, सभी डिपार्टमेंट का आप देख रहे हैं कि बिहार पुलिस के लिए भी 12 महीने से 13 महीने एक महीना बोनस का किया गया था पिछले बार, तो फिर बिहार में नियोजित शिक्षक को काम देना चाहिए, उनको वेतन बढ़ाना चाहिए। साथ ही अभी नीतीश कुमार जी को विकास का जो छूटा हुआ काम है, जैसे गांव में आप जा कर के देखिए पिछड़े लोगों को इंदिरा आवास नहीं पहुंच पा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार सरकार द्वारा नीतियों का बदलाव जो हो रहा है, उससे एक व्यक्ति को दो दो बार या कोई बड़े मतलब शक्तिशाली बेली व्यक्ति या पावरफुल व्यक्ति जो हैं उनको दो दो बार पैसा मिल जा रहा है या लाभ मिल रहा है, लेकिन जो गरीब व्यक्ति हैं जिनके पास सुविधा का अभाव है, जो मतलब ब्लॉक में जाने से असमर्थ हैं, उन लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है। तो ये सब काम करवाना चाहिए, ना कि ये नीति ये इधर अभी, अरे ये जब करवाना ही था तो नीतीश कुमार जी को अभी बहुत सारा समय था, पहले से करवाते। तो अभी अचानक अगर किसी के घर पे हमला और किसी के घर पे ये छापेमारी हो रही है, तो उससे पूरी साफ जनता सब कुछ देख रही है, जनता सब कुछ समझ रही है, ये साफ है पानी के तरह कि बाहुबली विधायक जो आनंद सिंह हैं उनको फंसाने का साजिश किया जा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, और उनके समय से अब शुरुआत से कहा जाए तो उनका पूरा फैमिली बैकग्राउंड ही रहा वैसा, और वो अपने फैमिली से ही परिवार से ही धीरे धीरे अपना पारिवारिक माहौल को तोड़ते हुए लोगों को दबाते हुए आगे बढ़े, तो वो तो भाई उनके खून में है। लेकिन जब ये सारी बात सरकार जान रही थी, नीतीश कुमार जी जान रहे थे, तो फिर वो अनंत सिंह के साथ क्यों मिले? जब अनंत सिंह के साथ मिले तो फिर बाद में उससे दोनों में नाराज़गी किस बात के लिए हुई? अब आप शुरू से जान रहे हैं कि कोई व्यक्ति भाई खतरनाक है, देश के या सरकार के कार्यक्रम में अवरोध डाल रहा है या सरकार के अगेंस्ट में काम कर रहा है, तो फिर उसके साथ मिलने का क्या तुक है? इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार जो है सो आनंद सिंह को किसी न किसी तरीके से अपने क्लच में लेना चाहती है, और उन्हें मतलब किसी भी तरीके से आने वाले चुनाव में उनको अलग करना चाहती। ये पूरी तरह से आज के डेट में अचानक ये केस को खुलना और लिपि सिंह को आकर के, जो कि अब कहा जाए कि सरकार का वो आदमी है लिपि सिंह, क्योंकि लिपि सिंह आकर के उनको जबरदस्ती अचानक से सारे जगह से उनके घर पे छापेमारी करना, गांव वाले घर पे, पटना वाले घर पे, अब सब जगह छापेमारी करना, आनंद सिंह को भगाना और ये सारा मुद्दा बना करके सरकार पूरी तरह से चाह रही है कि चुनाव से उनको अलग किया जाए। और सरकार एक बात और है कि सरकार इसमें कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे देख रही है।
अपना फायदा जी बिल्कुल। सरकार में सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जी एक मौका परस्त व्यक्ति हैं, वो जहाँ जहाँ जब जब जैसा देखे हैं, जब जब उनके फायदे का काम मिला है तब तब वो काम कर दिए। ये पहला बाहुबली नेता तो बिहार के हैं नहीं, और भी अभी भी हैं जो हर पार्टी में बाहुबली हैं, बीजेपी में देखे, आरजेडी में देखे या अदर पार्टी भी, जदयू में तो हमको लगता है और जदयू ही एक्सेप्ट किया था आनंद सिंह को। ऐसा नहीं कि पहला ये अभी जदयू से अभी तो अलग हुए हैं ना, इससे पहले जदयू से निर्दलीय लड़े थे, अभी कांग्रेस में गए हैं। और इनको इंक्वायरी करवाना ठीक है, किसी पर भी इंक्वायरी हो सकता है, मगर दूसरे एसपी को भेजिए। आप पार्टी के किसी भी सदस्य के परिवार के हैं तो व्यक्तिगत किसी भी, मेरे भी परिवार के कोई रहेंगे तो किसी पर मेरे विरोध में रहेंगे तो उन पर हम कहेंगे तो 5%।